हेलो व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस मोबाइल का। बताने वाला हूं कि इस मोबाइल में क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, कैमरा क्या है, बैटरी क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक, ताकि इस मोबाइल के सभी फीचर्स के बारे में आप जान पाए और इस मोबाइल को खरीदने या ना खरीदने के ऊपर एक डिसीजन ले पाए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं। ये है इसका बॉक्स, तो इसको मैं खोल लेता हूँ, स्टिकर्स हटा देता हूँ और ये मैंने बॉक्स को खोल लिया। सबसे ऊपर आपको ये छोटा सा बॉक्स मिलेगा, तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये मैंने इसको खोल लिया एंड इसके अंदर आपको मिल जाता है एक सिलिकॉन केस, जिसका क्वालिटी एवरेज है लेकिन प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी भी अच्छी नहीं है। एंड मिलते हैं ये इंस्ट्रक्शंस गाइड बुक, जो कि कोई पढ़ता नहीं है, तो इसको साइड कर देता हूँ। और ये है मेन यूनिट मोबाइल, इसको मैं सामने का जो कवर है वो हटा लेता हूँ एंड पीछे का भी कवर मैं हटा देता हूँ। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मेटल बॉडी है, इसके बारे में मैं वीडियो में बाद में डिस्कस करूँगा। इसके बाद यहाँ पर मिलता है ये चार्जिंग अडाप्टर, जो कि फास्ट चार्ज कर सकता है, मतलब बहुत कम समय में आपके मोबाइल को काफ़ी अच्छी चार्जिंग दे देता है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ओके, ये देख सकते हैं आप। और इस पे मिलता है ये अडाप्टर, जिसके मदद से आप पेन ड्राइव्स वगैरह को अपने डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। इस डिवाइस में टाइप सी पोर्ट मिलता है, तो इसीलिए ये जो अडाप्टर है वो काफ़ी यूज़फुल रहेगा आपके लिए। उसके बाद यहाँ पे मिल जाता है ये USB पोर्ट, जिसके मदद से आप अपने डिवाइस को लैपटॉप PC के साथ कनेक्ट कर सकते हो एंड डिवाइस को चार्ज भी कर सकते हो। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी। और यहाँ पर मिल जाता है ये एयरफोन, जो AKG का है। इस डिवाइस में साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो आप म्यूज़िक वगैरह को काफ़ी एंजॉय करेंगे इसमें। ये देखिए AKG के हैं। और इसी के साथ कुछ एडिशनल आपको एयरबड्स मिल जाते हैं, ये देखिए एयरबड्स 3-4 पेयर मिलते हैं इसके अंदर, जो कि आप चेंज करके अपने एयरफोन में यूज़ कर सकते हो। तो ओवरऑल बॉक्स के साथ आपको ये सारे चीज़ें मिल जाते हैं। इस मोबाइल में मेटल बॉडी का यूज़ किया गया है, जिसके कारण ये मोबाइल को काफ़ी प्रीमियम लुक दे देता है। जब भी इस मोबाइल को आप होल्ड करोगे, आपको ऐसा फील होगा कि आप एक प्रीमियम मोबाइल यूज़ कर रहे हो। इस मोबाइल का थिकनेस है 8.5 mm विथ है 73.8 mm और इसका वेट है अप्रोक्सीमेटली 189 grams। पीछे की तरफ इस मोबाइल में आपको 2 कैमरा, फिंगरप्रिंट सेंसर, हार्ट रेट मॉनिटरिंग का सेंसर एंड फ्लैश मिल जाता है। इसके अलावा आपको सैमसंग का ब्रांडिंग पीछे की तरफ देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ है हाइब्रिड सिम स्लॉट, जहां पे आप एक सिम, एक मेमोरी कार्ड या फिर 2 सिम एक साथ यूज़ कर सकते हो। और मिलता है वॉल्यूम आउटपुट का पॉइंट। राइट हैंड साइड में आपको मिलता है फिजिकल पावर बटन, इसके अलावा राइट हैंड साइड में आपको और कोई फिजिकल बटन दिखाई नहीं देगा। नीचे की तरफ आपको देखने को मिलता है स्पीकर, माइक्रोफोन, USB टाइप सी पोर्ट एंड ऑडियो के लिए 3.5 mm का आउटपुट देखने को मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको देखने को मिलेगा वॉल्यूम रॉकर का बटन एंड उसके नीचे डेडिकेटेड बिक्सबी का एक फिजिकल बटन आपको देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ आपको स्पीकर, फ्रंट कैमरा, नोटिफिकेशन लाइट एंड अलग अलग तरह का जो सेंसर्स है वो देखने को मिल जाता है। अगर डिस्प्ले के बारे में बात करता हूं, तो इसमें यूज़ किया गया है सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जिसका एस्पेक्ट रेशियो है 18.5:9, जो कि काफ़ी अच्छी है। पिक्सल डेंसिटी है 531 PPI और इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वर्जन 5 का यूज़ किया गया है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो अराउंड 83.99% है और स्क्रीन साइज जो यहाँ पे मिलता है वो है 6.2 inches का। और आपको तो ये देख के ही पता चल रहा है कि इसका जो डिस्प्ले है वो कर्व डिस्प्ले है, जो कि इस मोबाइल को एक अलग सा लुक ही दे देता है, जो कि आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। स्क्रीन रेजोल्यूशन है 1440x2960 pixels। ये कैपेसिटिव टच स्क्रीन है एंड मल्टीटास्क का ये सपोर्ट देता है। इस मोबाइल के साथ आपको व्यूइंग एक्सपीरियंस काफ़ी प्लीजेंट रहेगा, क्योंकि इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले का यूज़ किया गया है प्लस फुल HD है और ये जो कलर पोर्ट्रेट करता है वो काफ़ी रियलिस्टिक है, तो इसीलिए वीडियोस वगैरह में आप काफ़ी एंजॉय करने वाले हैं। ओवरऑल डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है एंड डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस मोबाइल को डेफिनेटली सिलेक्ट कर सकते हो। बात करते हैं इस मोबाइल के परफॉर्मेंस के बारे में। इस मोबाइल में सैमसंग एस्किनोस 9 ऑक्टा कोर प्रोसेसर का यूज़ किया गया है, जो कि 10 nm FinFET टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। इसमें से 4 कोर जो है उसका स्पीड है 2.7 GHz एंड बाकी 4 का स्पीड है 1.7 GHz। इसके साथ आपको ग्राफिक्स मिलता है माली G72 MP18, जिसके कारण आप हाई एंड ग्राफिक्स वाले जो गेम्स है वो भी आप आराम से इस मोबाइल में खेल सकते हो। PUBG वगैरह आप आराम से इस मोबाइल में खेल सकते हो, आपको कोई लैगिंग दिखाई नहीं देगा।
इस मोबाइल का रैम है 6GB एंड इंटरनल मेमोरी है 64GB और आपको अवेलेबल स्टोरेज अराउंड 56GB के आसपास मिल जाता है। इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो 400GB तक, बट इसमें एक ड्रॉबैक है कि इसका जो सिम स्लॉट है वो हाइब्रिड सिम स्लॉट है, जिसके कारण आप यहाँ पे एक ही साथ दो सिम यूज़ कर सकते हो या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हो। ये मोबाइल एंड्रॉयड ओरियो के साथ आता है, लेकिन सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन करके आप एंड्रॉयड पाई का यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो अभी मैं इस मोबाइल में एंड्रॉयड पाई का यूज़ कर रहा हूँ। इस मोबाइल के साथ आपको 3500 mAh का बैटरी मिल जाता है, जो कि एक डिसेंट बैटरी है। अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो तो आपको 1.5 डेज का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है, लेकिन अगर आप हाई ग्राफिक्स वाले गेम्स खेलते हो या फिर नेट सर्फिंग करते हो तो उस केस में हो सकता है कि आपको 1 डे से कम आपको बैटरी बैकअप मिले। अदरवाइज ये मोबाइल जो है वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। हालांकि मोबाइल के साथ आपको वायरलेस चार्जिंग का जो एडाप्टर है वो नहीं मिलेगा, आपको अलग से परचेज करना होगा। ओवरऑल इसका जो बैटरी है वो डिसेंट है। ये मोबाइल IP68 सर्टिफाइड है, जिसके मदद से आप 1.5 मीटर पानी के अंदर 30 मिनट्स तक इस मोबाइल को आप रख सकते हो, मतलब ये वाटर रेजिस्टेंट है। उसके बाद ये डस्ट प्रूफ है। अभी बात करते हैं इस मोबाइल के कैमरे के बारे में। रियर में आपको दो कैमरा मिल जाता है, जो कि 12 मेगापिक्सल का है। जो प्राइमरी कैमरा है उसमें वेरिएबल फोकल लेंथ है, मतलब उसमें आप 1.5 UV यूज़ कर सकते हो एंड 2.4 फोकल लेंथ भी यूज़ कर सकते हो। एंड इस फीचर के कारण ये मोबाइल लो लाइट कंडीशंस में काफ़ी अच्छी फोटोज़ ले पाता है। फ्रंट कैमरा के बारे में बात करूँ तो वो है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है, जिसका फोकल लेंथ है 2.4। दोनों तरफ के कैमरे में आपको OIS मिलता है, मतलब ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाता है, जिसके कारण आप जब वीडियोस वगैरह शूट करोगे तो काफ़ी स्टेबलाइज वीडियोस आपको मिल जाएंगे। उसका जो रियर कैमरा है वो सुपर स्लोमो शूट कर सकता है, जो कि आपके वीडियोज़ को एक एडिशनल लुक्स देने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। 60 FPS तक शूट कर सकता है, 4K में शूट कर सकता है, तो इसीलिए वीडियो कैपेबिलिटी के बारे में अगर बात करें तो ये मोबाइल काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा भी अगर आप मोबाइल में देखोगे तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। स्पोर्ट्स मोड मिलता है, फूड है, लाइव फोकस है, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको वेरी अलग अलग मिल जाते हैं। प्रो मोड में आप यहाँ पे फोकल लेंथ चेंज कर सकते हो, ISO चेंज कर सकते हो, शटर स्पीड चेंज कर सकते। इसके अलावा इसके कैमरे में आपको AR इमोजी ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आप अपने इमोजी क्रिएट करके अलग अलग वीडियोस बना के अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में आप उसको सेंड कर सकते हो। इस मोबाइल के कैमरे के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पे मैं इन डिटेल डिस्कशन करूंगा कि किस तरह का वीडियो ये ले सकता है, किस तरह का फोटोग्राफी इस मोबाइल के मदद से आप ले सकते हो। अगर इस मोबाइल के प्राइस के बारे में बात करें तो अभी इस मोबाइल में काफ़ी डिस्काउंट है और फ्लिपकार्ट में आपको ये मोबाइल 35,000 के अप्रॉक्स मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी और इस वीडियो के मदद से आप जान पाए होंगे कि सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस आपके लिए सही मोबाइल है या नहीं। इस मोबाइल को लेके कुछ भी क्वेरी आपके मन में है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं उसको श्योर रिप्लाई करूँगा। आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ मेरे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।